प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 111 दफा मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और आंदोलन शुरू हुआ था उस पर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया, बढ़ते समृद्ध भारत की चर्चा की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगे भी ये काम जारी रहेगा। संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि संजय झा को मैं बधाई देता हूँ, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। वहीं लालू प्रसाद यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि लालू को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव 74 के आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी, मीसा कानून के खिलाफ अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा, और वो लालू यादव आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, लालू प्रसाद यादव को कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो ये सब बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के तरफ से मैं हम उनका स्वागत करते हैं, और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कानू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ मां के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। एकदम मैं बधाई देता हूँ संजय झा जी को, और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है, और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है, इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बदवा दाग है, और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा। इस देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया है,